आपको होशियार रहना चाहिए। अगर आप ये कहें अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए कले तो मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी का समझ तो नहीं पाएंगा। कोई बड़ा आदमी या कई बड़े हुद्दे पे इन्होंने नहीं बिठाया, इसीलिए आप हिम्मत करो, एक हो जाओ, अपने हकूक के लिए लड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं नहीं, मैं देश को एक रखना चाहता हूँ। राहुल जी देश को एक रखना चाहते हैं। राहुल जी तो बोले भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूँ, नफरत की नहीं, लेकिन यहाँ बीजेपी आरएसएस ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं, और इसी के वजह से आपको होशियार रहना चाहिए। अगर आप ये कहें अरे सुनो भाई, सुने तो ही ज्ञान आता है, ज्ञान आए तो ही आप बोल सकते हैं। स्लोगन शाउटिंग मेरे लिए कले तो मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी का समझ तो नहीं पाएंगे आप। देखो बीजेपी और आरएसएस इतनी बुरी है और उसके संग में इनो है। फर्ज करो अगर कोई आदमी, हम कहते हैं भाई ये विष के जैसा है, ये लोग बहुत डेंजर है, इसीलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो, हमने कहा। अगर कोई ये कहता है भाई हम बोलते हैं ये विष है, पॉइजन है, इसके पास मत जाओ, उसको देखो मत। अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी, ये विष जैसे हैं, पॉइजन है, एक एक करके हमारे हकों को छीन ले रहे हैं, एक एक करके हमारे जितने भी हक थे, महिलाओं के हो, एसटी के हो, एससी के हो, वो सब खत्म कर रहे हैं। आप देखिए ये बाजू मणिपुर में क्या हो रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए, कहां है मोदी जी, कहां है बीजेपी? यहां सिर्फ हमको दिखाने के लिए वहां यहां ऐसा फिरते हो? जाके अपनी सूरत बताओ मणिपुर में, जाके बताओ नागालैंड में, तब आपको मालूम होगा। देश का, देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा।